हेलो गैस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन का सबसे इजी, सबसे सिंपल, जो आपके घर में कॉमन मसाला रहता है उस मसाले से बना हुआ चिकन का रेसिपी। ठीक है, तो ये चिकन का टेस्ट, कलर, टेक्सचर सारा बहुत ही अच्छा रहेगा, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो इस चिकन को बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा चिकन लिया है, तो ये चिकन को मैंने अच्छे से धो लिया है। इसे धोने के बाद मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मेरा स्पून का साइज़ देख लीजिए, इस हिसाब से मैं डाल रही हूँ अपने फ्लेवर के हिसाब से। ये बिसाइन चीज़ है इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ की हूँ। फिर एक कटोरा मैं इसमें डाल रही हूँ दही। दही अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं भी डालना चाहें तो नहीं डाल सकते हैं, पर मुझे दही वाला अच्छा लगता है तो मैं दही डाल रही हूँ। अब मैं इसमें अपने स्पून जो है उसके हिसाब से मैंने देखिए आधा स्पून हल्दी डाला है। अब मैं हल्दी डाल दी हूँ, अब मैं डालूँगी ज़ीरा। ज़ीरा भी अपने स्पून के साइज़ के हिसाब से डालनी हूँ, देख लीजिए एक स्पून डाली हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर मैंने थोड़ा सा डाला है क्योंकि वो फ्लेवर ख़राब कर देगा, ज़्यादा नहीं डालना है। तो मैं काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा डाली हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर एक चम्मच भर के फूल। मैंने इसमें नमक डालना भूल गया था तो मैं इसमें अभी नमक ऐड कर रही हूँ। अभी नमक ऐड की हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, आप कभी भी नमक ऐड कर सकते हो। तो मैंने मैरिनेट करने के बाद, चिकन को मिलाने के बाद नमक ऐड किया। अब ये देखिए, ये कप के साइज़ के हिसाब से मैंने 2.5 कप इसमें तेल डाला है। तो मैंने बड़े बड़े प्याज, 3 बड़े प्याज को अच्छे से काट लिया है और उसमें 3 हरी मिर्च डाल रही हूँ। लाल मिर्च मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए लाल मिर्च का पाउडर मैं यूज़ नहीं किया है। और ये मिर्चा मैंने इसमें डाला, तेल गरम करके रखा था। अब इसमें मैं ऑनियन डालूँगी। ऑनियन का क्या है कि ऑनियन को अच्छे से ब्राउन करना है, ठीक है, अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। आप इतना ओवर कुक नहीं करना, ओवर कुक कीजिएगा अगर ये डार्क ब्राउन हो गया, बहुत ही ज़्यादा काला काला हो गया, तो इससे चिकन का टेस्ट एकदम कड़वा हो जाएगा, कड़वा लगेगा। तो ये आपको अच्छे से धीरे धीरे चलाते हुए इसे अच्छे से ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन। तो ये मेरा चिकन का कलर देखिएगा लास्ट में। और ये जो प्याज का अभी कलर है ये देखिए, ये प्याज का जो कलर है ये ऐसा होना चाहिए। अब इसमें आप थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कीजिएगा, धनिया पाउडर, क्योंकि ना वो जो चिकन बनाते हैं उसमें ग्रेवी जो रहेगा वो ग्रेवी बनाने में काम आता है। थोड़ा सा ग्रेवी ग्रेवी रहेगा तो अच्छा लगता है, मसाला आप रोटी के साथ अच्छे से खा सकते हो। तो ये मैंने धनिया पाउडर डाला थोड़ा सा। अब मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ। और मैं एक टिप्स देना चाहूँगी चिकन का, कि चिकन कभी भी आप धोए तो धोने के बाद उसे एक बार नमक से, सरसों ऑयल से, नहीं तो फिर आप आटे से, ये 3 चीज़ में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसे चिकन को अच्छे से धोए। उससे क्या होगा कि आपका जो बिसाइनपन होता है ना चिकन का, वो मर जाएगा। तो बहुत कोई को वो बिसाइन टेस्ट आ जाता है तो वो चिकन खाना पसंद नहीं करते। तो उससे बचने के लिए आप वो मेरा ये टिप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने चिकन अच्छे से ऐड कर लिया, इसमें डाल लिया है। अब चिकन को अच्छे से चलाऊंगी मैं, इसे धीरे धीरे अच्छे से चलाऊंगी। इसे चलाते चलाते अगर आपको लगे कि चिकन आपका नीचे थोड़ा बहुत सट रहा है तो इसमें आप थोड़ा सा 1 कप पानी ऐड करिएगा। 1 कप पानी ऐड करके, 1 या 1.5 कप पानी ऐड करके इसे आप ढाक के भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका चिकन जल्दी गलेगा ढाक के रखिएगा तो। और वैसे ही आप धीरे धीरे करके, अगर आपको लगे कढ़ाई में नीचे चिकन सट रहा है तो वही पानी डाल डाल के थोड़ा सा चलाते रहिएगा। चलाते चलाते देखिए, मेरा जो ये ऑनियन का जो कलर है ना, वही कलर आपका चिकन का अच्छा टेक्सचर लाएगा, अच्छा कलर लाएगा चिकन में, ब्राउन ब्राउन। वो मेरा अभी फ्लैश लाइट ऑन है, मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इसीलिए आपको उतना कलर समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए, मेरा चिकन बन के रेडी हो गया। और जो एक्स्ट्रा ऑयल दिख रहा है ना, वो ऑयल को मैं ना अभी बिरयानी बनाऊँगी उसमें यूज़ करूँगी, तो इसीलिए मेरा ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है मैं उसमें यूज़ कर लूँगी। आप ऐसे अगर ऑयल का ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते तो इसे आप कम ऑयल में भी बना सकते हैं। मैंने इसको ज़्यादा ऑयल में बनाया है। तो ये रहा मेरा चिकन बन के रेडी हो गया है। मैं देखिए, ये रहा, फ्लैश लाइट ऑफ है मेरा मोबाइल का। तो ये रहा चिकन का ओरिजिनल कलर। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा, आपको एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं आपको कैसा लगा है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और प्लीज़ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।